सो गाइस, अभी हम हैं बनासकांठा और साबरकांठा के बीच में, यानी कि जो आपको नदी दिख रही है हमारे पीछे, ये जो नदी है और ये जो ब्रिज है, तो ब्रिज की उस तरफ साबरकांठा है और ब्रिज की इस तरफ बनासकांठा है। ये लोकेशन जो है गटड़ा सावड़ा जी के नाम से जाना जाता है, और इस समय बारिश नहीं हुई है तो पानी कम है, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत पानी रहता है इस नदी में। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा ब्रिज का और नदी का नज़ारा। ये जो रिवर है ये साबरमती रिवर है, और उस तरफ दाता पड़ता है और इस तरफ खेड़ ब्रह्मा पड़ता है, और मानसून में जब बारिश होती है यहाँ पे आ सकते हो आप। अब वहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी बोट्स रखी गई है, तो यहाँ पे बोटिंग भी होता है। फिलहाल वो मछुआरे की बोट है, लेकिन अगर आप बारिश होती है, पानी ज़्यादा है और तब आते हो तो यह आपको बोटिंग का मज़ा भी मिल सकता है। सो फाइनली गाइज, हम अभी जो ब्रिज था वहाँ से अभी पहुँच गए हैं गटड़ा शामला जी गाँव में, और यहाँ पे आपको जो ये केसरिया लहराता हुआ दिख रहा होगा गटड़ा शामला जी गाँव में, तो मैं आपको बता दूँ कि इस गांव का जो चौक है, तो चौक में ही सम्राट पृथ्वीराज सिंह जी चौहान का ये स्टैचू लगा है। ये स्टैचू यहाँ पे गाँव वालों ने लगाया है, जो कि ये हमारे सनातन धर्म की एक निशानी हो, और हमारे एक वीर योद्धा है जिनके मान सम्मान में इस गांव में ये करवाया गया है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि इस गांव में चौहान लोग ज़्यादा रहते हैं, जो राजपूत समाज के जो चौहान कौम के लोग हैं, तो उन्होंने अपने ये गांव में ये लगवाया है। और अभी हम यहां से जाएंगे गटड़ा शामला जी मंदिर, और इसके रिगार्डिंग बात हम वहाँ पर जाके करेंगे। तो दोस्तों, इस गांव का नाम पहले गटड़ा हुआ करता था, और अभी शामला जी भगवान की कृपा से इसे गटड़ा शामला जी बोला जाता है, और यह गांव खेड़ ब्रह्मा तालुका में पड़ता है। यहां पे आपको आना है तो आप अहमदाबाद से अगर आ रहे हो तो आपको इधर से होके खेड़ ब्रह्मा होके यहां पे आ सकते हो। पालनपुर वाला रास्ता भी है, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप इधर अहमदाबाद से आते हो तो इधर वाले रास्ते से आइए, वो आपको एकदम सही रहेगा। दूसरी बात, हर जन्माष्टमी में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, और कृष्ण भगवान की, शामला जी भगवान की रथ यात्रा इस गांव में निकलती है। और ये जो गांव है वो साबरमती, हरणाव और धावनी, ये तीनों नदियों के संगम पे है, यानी कि त्रिवेणी संगम पे है। तो मॉनसून में जब भी बारिश होती है तो यह गांव पूरा बेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप खेड़ ब्रह्मा या अम्बाजी आते हो तो यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। तो अभी हम गटड़ा शामला जी मंदिर में हैं, पीछे आपको शामला जी भगवान का मंदिर दिख रहा होगा। मंदिर की हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ, तो मंदिर किसने बनवाया है उसका अभी हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, बट
सन 1555 में ईडर के जो राजा थे राव पाण, उन्होंने इस मंदिर का रिनोवेशन करवाया था, जीर्णोद्धार कराया था। और दूसरी बात कि ये जो मंदिर है वो पूरेगत का शामलाजी भगवान का मंदिर है। पूरेगत माने तो आपने डाकोर, शामलाजी, द्वारका सब जगह पे जो मूर्ति देखी है वो पूरी नहीं है, यहाँ पे जो मूर्ति है शामलाजी भगवान की वो पूरी मूर्ति है। और दूसरी एक बात यह है कि पहले के ज़माने के लोगों के मुँह से यहाँ पे ऐसा सुना गया है कि ये जो भगवान थे उनके पैर में चोट लगी हुई थी और रस्सी आती थी मूर्ति के पैर में से, और वहाँ पे पाटे भी बंधा हुए, ऐसा पहले के लोग यहाँ पे कहा करते थे। तो बहुत ही हिस्टोरिकल और दिलचस्प मंदिर है ये। जब भी आप दाता से खेड़ब्रह्मा वाले रास्ते से आते हो तो यहाँ पे ज़रूर से आइएगा। फिलहाल 2-3 दिन बाद जन्माष्टमी है तो उसी की अभी तैयारी यहाँ पे शुरू हो रही है, तो मंदिर को सजाया जा रहा है और सावला जी भगवान यानी कि कृष्ण भगवान की लीला अपरंपार है दोस्तों। तो हर जगह आप जहाँ भी जाओगे आपको कृष्ण भगवान की लीला देखने को मिलेगी। और अभी हमारे दर्शन हो गए हैं, आप पीछे जो देख रहे हो वो ब्रिज वाला रास्ता था, वहाँ से हम यहाँ आए हैं, तो वो पूरी साबरमती नदी है। तो ये साबरमती नदी पे ये सब मंदिर है और ये गाँव जो है इसे गठड़ा शामला जी कहा जाता है। अभी हमने दर्शन कर लिए हैं और अभी हमारा आज का डे जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जन्माष्टमी आ रही है तो शामला जी भगवान के दर्शन आपके सभी दोस्तों परिवार वालों को ये वीडियो का लिंक शेयर करके करवाइएगा। जय श्री कृष्ण, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।